रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोजी और रोहन दोनों के ही घर वाले बड़े धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं और सुहागरात के दिन रोहन रोजी से कहता है, रोजी तुम्हें पता है तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए। अब मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? और ये बकवास नहीं, सच है, तुम बहुत सुंदर हो। और हाँ, आज शादी की पहली रात है, मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम सब कुछ करोगी मगर कभी मुझे धोखा नहीं दोगी। जी हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। ऐसे ही दोनों एक दूजे के गले लगाकर अपनी सुहागरात को एंजॉय करते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। रोजी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल लेती है और अपनी सास कोमल का भी खूब ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी बहू से कहती है, क्या रे बहुरिया, तेरा अपने इस नए घर में मन तो लग रहा है ना? क्योंकि वो क्या है, जब लड़कियों की नई नई शादी होकर वो ससुराल आती हैं, तो उनका ज्यादा ससुराल में दिल नहीं लगता। हमें भी बता दे, क्योंकि हमारे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। पर माँ जी, आप और रोहन जी इतने अच्छे हैं कि मुझे मेरे घर वालों की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। अच्छा, अरे अब तू भी तो इस घर का ही हिस्सा है, तो तुझे किसी भी चीज की कमी मैं होने नहीं दूंगी। और अगर कुछ लगे तो तू मुझे अपनी माँ समझकर बता दियो। जी माँ जी। अरे वो क्या है ना कि मेरे बेटे का काम ही कुछ ऐसा है, वो 6 महीने घर में रहता है और 6 महीने बाहर, फिर तो उसके जाने के बाद हम दोनों को ही रहना है, इसीलिए बोल रही हूँ। कुछ देर बाद जब शाम को ऑफिस से रोहन घर आता है तो वो अपनी माँ और रोजी से बोलता है, माँ कल सुबह मुझे अमेरिका के लिए निकलना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, अभी अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, तू नहीं जा सकता। माँ प्लीज समझा करो, काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। प्लीज आप मत जाइए ना। तुम तो समझो पागल, अपना और माँ का ध्यान रखना। और हाँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा और फिर हम सब कहीं घूमने चलेंगे। अगले दिन रोहन अमेरिका के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और रोजी को बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता है और उसे अपने पति की कमी खलने लगती है, जिस वजह से वो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड शिव को कॉल करती है और उससे कहती है, हेलो शिवा बेबी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेवफा रोजी। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, शादी करना मेरी मजबूरी थी। आई लव यू शिवा, मैं अपना प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे अपने घर बुलाओ और मेरे साथ वक्त बिताओ, तब मानूंगा तुम मुझे आज भी चाहती हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मौका देखकर एक दिन रोजी अपनी सास को बोलती है, माँ जी वो मेरा एक दूर का भाई है जो मुझसे मिलना चाहता था। अरे बहू, तो फिर तू उसे कुछ दिन के लिए यहीं बुला ले। ठीक है माँ जी, थैंक यू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन रोजी को फोन करता है और उससे बोलता है, क्या कर रही हो मेरी जान? कुछ नहीं, बस अपने पति को याद कर रही हूँ। कुछ देर तक दोनों यूं ही बातें करते रहते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और रोजी शिव के साथ अपनी जिंदगी को खुशी खुशी एंजॉय करती है। ऐसे ही एक दिन रोहन अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे कहता है, माँ कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसा है? माँ मैं भी ठीक हूँ, और रोजी कहाँ है? अरे वो तो अपने भाई के साथ है, काफी दिनों से वो यहीं रह रहा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अगर ऐसा है तो उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? जरूर दाल में कुछ काला है, मैं माँ को नहीं बताऊंगा इस बारे में। अच्छा बेटा, तो ये बता, खाना पीना तो खा रहा है ना टाइम से? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, आप भी अपना पूरा ख्याल रखना। और माँ मैं अभी फोन रखता हूँ। हाँ बेटा, बस तू अब जल्दी से वापस आ जा, बहुत दिन हो गए तुझे देखा ही नहीं है, अब रहा नहीं जाता तेरे बिना। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक रोहन किसी को भी बिना बताए घर वापस लौट आता है
और सभी को सरप्राइज देने के बारे में सोचता है। वो घर पहुंचकर डोरबेल बजाता है। रोजी किचन में खाना बना रही होती है और शिव दरवाजा खोल देता है। तभी रोहन को अचानक अपनी नजरों के सामने देखकर शिव घबरा जाता है और इतने में वहां पर कोमल आ जाती है और अपने बेटे को ऐसे सामने देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है और रोजी को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू अरे आओ बहू, देख तो जरा कौन आया है, जल्दी से यहाँ तो आ। रोजी जल्दी से रसोई से बाहर आती है और रोहन को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। तभी वो बोलती है, आप आ गए अचानक, बताया भी नहीं, अरे एक बार कह देते मैं आपकी पसंद का खाना बना देती। अरे बेबी, बता के आता तो तुम्हारे चेहरे का ये वाओ एक्सप्रेशन कैसे देख पाता मैं। और साले साहब कैसे हैं आप? जी जी एकदम बढ़िया, आप बताइए आपका सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा बेबी, जल्दी से अपने हाथों की एक कप मसाला चाय तो पिला दो। जी जी बिल्कुल, आप सब आराम से बैठकर बातें कीजिए, मैं यूं गई और यूं आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहन के आ जाने की वजह से शिव और रोजी को करीब आने का कोई मौका नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन रोहन घर पर जब नहीं होता तो इस मौके का फायदा उठाकर शिव रोजी के कमरे में चला जाता है और उसे अपने गले से लगाता है। तभी कमरे के बाहर से कोमल गुजर रही होती है, वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है और ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो कोमल के कमरे में जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है, जिसके बाद वो उन दोनों को खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रोजी शिव और अपने रिश्ते को छुपाने के लिए कोमल को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। साथ ही रोहन की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कोमल का इलाज करते हैं और थोड़ी देर बाद वहां रोहन भी आ जाता है। ऐसे ही 4 घंटे बीत जाते हैं। इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं, मिस्टर रोहन आई एम रियली सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए क्योंकि उनके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी और उनका खून भी काफी बह गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। कोमल की मौत की खबर सुनकर रोहन फूट फूट कर रोने लगता है और सभी मिलकर कोमल का अंतिम संस्कार करते हैं। एक दिन रोहन काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है। रोजी इस मौके का फायदा उठाकर शिव को अपने घर बुला लेती है और दोनों प्यार भरे लम्हे बिताते हैं और आपस में बातें करते हैं। देखा शिवा बेबी, अब तो यकीन करते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी बिचारी सास को मौत की नींद सुला दिया, जबकि वो मुझे कितना प्यार करती थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए। तभी वहाँ रोहन आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाकर उन दोनों को गिरफ्तार करवा देता है। साथ ही सबूत के तौर पर पुलिस को वो रिकॉर्डिंग देता है, जिसमें खुद रोजी ने ये कबूल किया था कि कोमल की जान उसी ने ली। कोर्ट में मुकदमा जाहिर होता है और अदालत उन दोनों को मर्डर और धोखेबाजी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो वही रोहन भी सब कुछ भुलाकर अपनी माँ की यादों के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।